प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये क्या लिखा हुआ है शीर्षक में, लव मैरिज प्लस मैच मेकिंग इज इक्वल टू डाइवोर्स। ऐसा कैसे पॉसिबल है? प्रेम विवाह, वो भी गुण मिलान के बाद में किया गया और फिर भी उसमें क्यों तलाक की नौबत आ गई? अरे, इन दोनों में से कोई एक भी क्वालिटी यदि किसी रिश्ते में बनी रहे तो उस रिश्ते को बरकरार रखने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि प्रेम विवाह है तो ऐसा माना जाता है कि अब वो जीवन भर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे का सम्मान वो सच्चे दिल से करते हैं, तो फिर क्यों तलाक की नौबत आ गई? मैच मेकिंग, जिसको कि गुण मिलान का नाम यहां पर दिया जा रहा है, यदि वो किया गया है, ठीक से किया गया है, तो फिर क्यों तलाक की नौबत आ गई? साथियों, आज एक ऐसी ही केस स्टडी हम करेंगे और इसका उद्देश्य यह है कि आप इस गलत फहमी में कदापि मत रहिए कि लव मैरिज हुई है तो वो रिश्ता टिकाऊ है, या फिर गुण मिलान आपने कर लिए हैं तो वो रिश्ता टिकाऊ है, और ये दोनों ही चाहे क्यों ना एक साथ कर लिए हो तो भी वो रिश्ता टिकाऊ है, ऐसा बिल्कुल भी मानना बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। साथियों, इस पर हम चर्चा करें, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कोई कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। केवल इन दो शर्तों पर पूरा होने पर ही हम किसी कमेंट को शामिल करते हैं। तो आइए, आप भी अपनी जन्म पत्रिका उठा करके तैयार हो जाइए और देखते हैं हम आज की एक केस स्टडी। पूरी कुंडली और पूरे नामों का खुलासा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी की व्यक्तिगत जिंदगी है, किसी की गोपनीयता का प्रश्न है। यहां पर हम उदाहरण के तौर पर वर और वधु केवल इतना ही लिख रहे हैं। साथियों, ऊपर जो एक जन्म पत्रिका है, अब फिर ये चाहे किसी भी लग्न की, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो, ये इस केस में कम से कम एक वर की जन्म पत्रिका है। नीचे जो आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं, ये भी किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। यहां पर आज ये एक किसी तथाकथित वधु की जन्म पत्रिका है। अब साथियों, आप सबसे पहले दृष्टिपात कीजिए वर की जन्म पत्रिका के पंचम भाव पर। पंचम भाव जो कि प्रेम विवाह का, प्रेम संबंधों का भाव होता है, यहां पर इनके दो पाप ग्रह हैं, मंगल और सूर्य, ये दोनों विराजमान है। वधु की जन्म पत्रिका की यदि बात की जाए तो उनके लिए आपको दृष्टिपात करना होगा उनकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में देख रहे हैं आप कि राहु, शनि और मंगल, इन तीनों की युति है, तीनों यहां पर बैठे हुए हैं। वधु जो है वो हो गई एक मंगलिक जातिका। साथियों, ये दोनों कोई साधारण नहीं, अपने अपने प्रोफेशन में शिखर पर हैं। ये जो वर है ये राज्य सिविल सर्विसेज में चयनित है, अच्छे पद पर विराजमान है, और युवती की यदि बात करें तो ये एक महाविद्यालय में शिक्षण करती हैं, सरकारी नौकरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ये कार्यरत है, और इनकी शादी लगभग 3-3.5 साल पूर्व हुई। दोनों बेहद ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, बेहद ही खूबसूरत, और अभी इनके एक कन्या संतान भी है। अब ऐसा क्या हुआ इन 3-3.5 वर्षों में कि जो इनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण था वो पूरी की तरह समाप्त हो गया? इवन इन दोनों ने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा और दोनों का आज डाइवोर्स की कगार पर खड़े होकर के किसी और, अच्छा यहां पर इस रिश्ते में एक और अजीब सी घटना हुई। आमतौर पर हमारे पास जो केस आते हैं उनमें पति और पत्नी, इन दोनों में से कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित होता है, परंतु इस मामले में ये दोनों ही लव मैरिज के बावजूद किसी और के साथ में आज की तारीख में एंगेजमेंट है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शिकार है और दोनों अलग होना चाहते हैं। काउंसलिंग के सारे दौर समाप्त हो चुके हैं
और इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब अलग ही हम होंगे। और दोनों की ही अपने अपने ससुराल पक्ष से बिल्कुल भी नहीं बनती विवाह के वेरी फर्स्ट डे से ही, जबकि जब इनका गुण मिलान किया गया, देखिए प्रेम संबंध था तो लव मैरिज तो है ही, गुण मिलान में भी इनके 23 गुण मिले थे और ना नाड़ी दोष भी आड़े नहीं आया था। तो अब इस स्थिति को क्या माना जाए, इस किसका दोष है? साथियों अब दोष की मैं चर्चा करता हूं, पंचम भाव। यहां पर सबसे बड़ी गलती की गई है कुंडली मिलान को लेकर के। पंचम भाव क्योंकि विवाह में प्रेम विवाह की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहां पर मंगल और सूर्य की युति है, ये एक गलत संकेत है। मंगल और सूर्य या किसी भी प्रकार के दो से अधिक पाप ग्रह यदि पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को गलती से भी प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, वो कुछ महीनों ही टिकेगा, सालों को तो आप भूल ही जाइए। अष्टम भाव में आप कन्या के या वधु कहें तो देख रहे हैं कि तीन तीन यहां पर पाप ग्रह है, मंगली तो वो है ही। अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष से संबंधों का, तो इनका पहले दिन से ही अपने ससुराल पक्ष से संबंध ना के बराबर था, बल्कि ये कहें कि नकारात्मक था। तो दोनों ही भावों के यहां पर पीड़ित होने के कारण आज ये परिणति, आज ये परिणाम हुआ कि दोनों ही अलग हो रहे हैं, बेहद दुखद है, बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा दुखी है। परंतु अब इससे सीख क्या लेनी चाहिए? साथियों प्रेम विवाह कोई अपराध नहीं है, हमारे पास इस प्रकार के केसेस आते हैं, समस्या यदि है तो उसका समाधान निकाला जा सकता है। परंतु यहां पर इन्होंने केवल गुण मिलान को ही कुंडली मिलान का नाम दे दिया और ये ब्लंडर मिस्टेक यहां पर किसी ज्योतिषी, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उनकी तरफ से हुई और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? वो मासूम बच्ची भुगत रही है। ये दोनों पति पत्नी अभी चाहे कहीं और आकर्षित है, भविष्य में ये वहां पर भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो त्याग की मांग करती है। जब आप अपना कोई स्टेप उठा चुके हैं, आपने कोई कदम बढ़ाया है तो आप उस पर अडिग रहिए, समस्याएं आती रहेगी। आप दूसरी तीसरी चौथी शादी में सक्सेसफुल हो जाएंगे ऐसा कदापि नहीं है, कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो साथियों उद्देश्य केवल इतना ही था कि आपको एक सही जानकारी दी जाए कि प्योर वैदिक तरीके से और किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपकी नजर में या किसी समझदार व्यक्ति की नजर में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ज्ञाता हो, केवल उसके हाथ में ही आप अपना भविष्य सौंपिए। किसी अध कचरे ज्ञान वाले व्यक्ति के हाथ में अपना भविष्य बिल्कुल भी मत सौंपिए। तो आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रॉनी वर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कानपुर उत्तर प्रदेश से। रॉनी जी आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। अभी आपके विवाह का योग चल रहा है, विवाह में आपके जो गुरु हैं वो सप्तमेश हैं और उनकी दृष्टि भी सप्तम भाव में है, ये दोनों ही बातें प्लस पॉइंट है। परंतु अक्टूबर तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा, स्वतः ही बिना किसी अधिक प्रयास किए आपके लिए रिश्ता भी आ जाएगा और कुंडली आप जरूर मिलाइएगा, शुभकामनाएं आपके लिए। तो आइए साथियों अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की लव मैरिज की, कुंडली मिलान की, डाइवोर्स की, एक केस स्टडी की। तो दो कौन से भावों की हमने चर्चा की जो कि विवाह में, खास तौर पर प्रेम विवाह में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।